Hello friends, welcome back of you another video in this YouTube channel CE&T Civil Engineering Technology. कैसे आप सब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। अक्सर इंट्रो में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड इसमें PVC हो या पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हो या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो, आपका ये सीमेंट के लिए है। तो आपकी इनिशियल सेटिंग क्या आ जाता है और फाइनल सेटिंग टाइम, ये सेटिंग टाइम है क्या आपका जो सीमेंट है। तो वो क्या होता है कि हमें ये टेस्ट करना है कि इसका जो टेस्टिंग मशीन है वो सही है नहीं है, आपका जो सीमेंट है वो ख़राब तो नहीं है या फिर मॉइस्चर तो नहीं है या फिर आपका जो सीमेंट है वो आपका ज़्यादा एक्सपायर्ड तो नहीं है, जैसे एक महीने से ज़्यादा ऊपर हो जाता है जो आपका टेस्टिंग होती है। तो इस बेस पे हमें सीमेंट का टेस्ट करना होता है, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम और उसका टेस्टिंग कंप्रेसिव क्यूब, ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, काफ़ी टेस्ट होते हैं। तो हम इसमें एडजस्ट करते हैं सेटिंग टाइम कि हमारा जो आपका सीमेंट यूज कर रहे हैं वो सही है नहीं है, जो कप की एच पर स्ट्रेंथ है नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट जो भी मेरी नई वीडियो होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता क्या है, व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर। आपको पता होना चाहिए कि जब सीमेंट हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो इट हाइड्रेट्स, तो आपका ये हाइड्रेट शुरू हो जाता है। मेक्स सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट के साथ एक हाइड्रेट का एक केमिकल रिएक्शन करता है, उसको हाइड्रेट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, दिस पेस्ट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप ड्यू टू इट्स प्लास्टिसिटी। सीमेंट क्या होता है कि अगर सीमेंट है, जैसे कि सपोज किले का लोहा है, जब उसको गर्म करते हैं तो किसी चीज़ में लग सकते हैं, ऐसे ही जो सीमेंट पेस्ट होता है, जो पतला पतला सीमेंट होता है, उसको हम तब तक किसी फॉर्म में ले सकते हैं जब तक वो गीला है, प्लास्टिसिटी है, मतलब वो किसी भी सेम में प्लास्टिक होती है, गर्म करते हैं तो किसी सेम में दे सकते हैं, ठंडा हो जाएगा तो फिर वो उसी सेम में रह जाता है। सेम प्रोसीजर ये सीमेंट है, जैसे सीमेंट को आप मोर्टर मिला रहे हैं तो मोर्टर में रहने के बाद अगर आप तब तक उसकी प्लास्टिसिटी में रहेगा तो वो सेट नहीं होगा, तो किसी सेम में मिला से जैसे प्लास्टर कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं। तो जब उस पेस्ट को आप बिल्कुल प्रॉपरली इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा तो 30 मिनट होता है, तो तब तक सपोज कि जब ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो आपने क्या किया, सीमेंट को आपने उसमें मिलाया मोर्टार में, तो वो क्या हुआ, तब तक सेट नहीं होगा। जब तक वो सेट नहीं हो जाता है तब तक आप किसी भी लेयर में बिछा सकते हैं, सीमेंट में, प्लास्टर में, किसी फॉर्म में लग सकते हैं। सेट होने के बाद वो आपका उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कोई क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें फिल करना है सीमेंट पेस्ट, तब तक ये इसमें रहेगा तब तक आप ये सेट नहीं हो जाता है, लूज फॉर्म में आपको चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल फैला सकते हैं, या फिर आप इसको मोटा में यूज़ करते हैं, प्लास्टर में, किसी भी सेम में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विद इन दिस टाइम सीमेंट कंटिन्यूज विद रिएक्टिंग वाटर एंड स्लोली सीमेंट स्टार्ट्स लॉजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। आपको देखना है कि विद इन द टाइम सीमेंट कंटिन्यूस विद रीचिंग, कंटिन्यूस आपका क्या रहेगा, सीमेंट का जो पेस्ट रहता है वाटर के साथ स्लोली आपका धीरे से स्टार्ट जमना हो जाता है, लॉजिंग आपका, जैसे आपने सीमेंट, आपका सीमेंट है पानी, जैसे आप उसमें मिलाते हैं वो प्लास्टिसिटी फॉर्म में रहेगा, वो तब तक वो फॉर्म में रहेगा जब तक वो सीमेंट सेट होना शुरू नहीं हो जाता है, ठीक है, लॉसिंग इट्स प्लास्टिसिटी, तब तक वो अपनी प्लास्टिसिटी है वो छोड़ना शुरू हो जाता है, प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर देता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी आपके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपको वो खो देता है, तो सेट होने लगता है, ठीक है। इफ़ एंड सेट हार्डन, तब तक वो सेट हार्ड नहीं हो जाता है, तो दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। वो लिक्विड सेम में रहेगा तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम है, तब तक वो पूरा हार्ड हो जाता है, उसको हम किसी सेम में नहीं बदल सकते हैं, तो वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो रहेगा। आगे देख लेते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है, तो द टाइम टू विच सीमेंट कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर्ड शेप विदाउट लॉसिंग इन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट की होती है वो मोल्डिंग कर सकते हैं हम एनी डिजायर शेप में, किसी भी शेप में, जैसे प्लास्टर में ले सकते हैं, प्लास्टर में हम मोर्टार में मिक्स करते हैं, या फिर आप सीमेंट सलरी होती है
ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम सीमेंट को किसी भी फॉर्म में, जैसे कंक्रीट के अंदर डालते हैं, बस मोर्टार के अंदर डालते हैं, किसी भी फॉर्म में हम डालते हैं। सीमेंट क्या है आपका, सीमेंट क्या है, बॉन्ड मटेरियल है। सीमेंट आपका एक बॉन्ड मटेरियल है। कंक्रीट, जो कंक्रीट के अंदर आपको कंक्रीट के अंदर डालते हैं, तो कंक्रीट आपको मिक्स कर देता है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली बॉन्ड कर देता है। आपका प्लास्टर में आप यूज कर रहे हैं, तो आपका करना सैंड के अंदर उसमें मिक्स करते हैं, तो वो भी बॉन्ड का काम करता है। तो उस वो क्या कहता है, डिजायर्ड शेप विदाउट इट्स लॉसिंग इट स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो सीमेंट की जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है, उसको खोने से पहले वो उसी शेप में, आप किसी भी शेप में बदल सकते हैं। तो वो क्या कहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है आपका। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट, एक मोल्ड लिया आपने, ठीक है, ये मोल्ड आ गया आपका। तो आपको इसमें क्या करना है, सीमेंट इसमें फिल करना है। तो सीमेंट फिल करने के बाद आपको ये टेस्ट करना है कि जो इसकी हार्डन्ड, ये प्लास्टिसिटी शेप है, कब तक रहती है, और ये हार्डन्ड कब, ये पूरा कंप्लीट हार्ड कब हो जाता है। तो वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, जस्ट ओनली सीमेंट सीमेंट का ही करते हैं। जब हम सीमेंट लेते हैं, जैसे ड्राई सीमेंट लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वाटर मिक्स करते गए। तो वाटर मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, ये आपका प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मोल्ड लिया, एक मोल्ड लिया, ठीक है। तो इस मोल्ड में हमने क्या किया, सीमेंट को प्रॉपरली फिल कर दिया है, और ड्रॉबल की सहायता से हमने इसको क्या किया, बराबर कर दिया है। ठीक है, बराबर करने के बाद अच्छे से बराबर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग, वो टेस्टिंग मशीन होगी तो सीमेंट के लिए, तो वो जो नीडल होगा, जो सुई होगी, तो वो पूरी जीरो पर रहेगी। तो जीरो तब तक रहती है, अब तक वो सीमेंट, वो क्या रहेगा आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम जीरो जीरो रहेगा। और तब ये हार्ड होना, फिर इसको हम चेक करते हैं मिनिमम 150 मिनट के बाद चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो नीडल्स हैं वो कितने कितने टाइम पर आती है। फिर हम करते हैं 30 मिनट, 300 मिनट पर कितना आता है। ठीक है, तो हम करना है, तो द टाइम एट विच सीमेंट स्टार्ट हार्डन्स एंड कम्प्लीटली लॉसेस इस प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, OPC का जो सीमेंट सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। जीरो से जैसे ही वो चेंज होता था, जीरो से जैसे ही वो चेंज हो जाता है, तो आपको जैसे ही हार्डन शुरू हो जाता है, वो क्या कहलाता है, कम्प्लीटली लॉसेस इस प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक सिटी वो आपकी जो लिक्विड फॉर्म है कम्प्लीटली खो देता है। जीरो से जैसे ही ऊपर सुई बढ़ती है, जैसे वन, जैसे थ्रू 2 मिनट, 32 मिनट, 3 मिनट, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट कहलाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम क्या कहलाता है, दी टाइम एट विच सीमेंट कम्प्लीटली लॉसेस इस प्लास्टिसिटी। वो देखो, जो वो टाइम, वो समय जो सीमेंट पेस्ट का है कम्प्लीटली लॉस खो देता है, जो प्लास्टिक सिटी फॉर्म है वो खोल देता है, जैसे लिक्विड है, लिक्विड आपने सीमेंट, और जब वो ड्राई सीमेंट है अपने में पानी मिलाया, तो वो क्या हुआ, पेस्ट बन गया, वो कम्प्लीटली खो देता है। वो क्या, किस फॉर्म में आता है, एक हार्ड फॉर्म हो जाता है, उस पर नीडल्स का कोई असर नहीं होगा, या फिर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा, ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये क्रैक्स होता है या फिर टूट कर ही मानता है, तब ये आपका क्रैक हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, तो एंड बिकम हार्ड इज ए फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये क्या हो जाता है, प्रॉपरली एक हार्ड हो जाता है, बिल्कुल अच्छे प्रॉपरली सेट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो OPC का जो सीमेंट, OPC जो सीमेंट है आपका, OPC या PPC सीमेंट है, तो उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है आपको 600 मिनट। ठीक है, 600 मिनट को अपने कन्वर्ट करना है घंटों में, तो 10 आवर्स, तो 10 आवर्स रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।